गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई साइंस क्लास। आज हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7, पेज नंबर 54। चैप्टर 7, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की संरचना, जो मैटर है, हर एक चीज़ क्या है, मैटर है। तो वो संरचना मीन्स होता है वो कैसे बनती है, ठीक है। यूनिट थर्ड का मटेरियल्स एंड मैटर है। मटेरियल मीन्स सामग्री, मीन्स मतलब वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी है, एंड मैटर मीन्स पदार्थ, वो किस किस पदार्थ या मैटर से वो चीज़ बनी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग अराउंड अस। हम अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। Anything that occupies space and has weight is called matter. Anything मतलब कोई भी चीज़ है जो स्पेस घेरती है, मतलब जो जगह घेरती है, एंड हैज़ वेट, जिसमें भी वेट है, चाहे वो आपकी बाल्टी हो, बॉल हो, बैट हो, या बलून हो। बलून कैसे, अगर हम उसमें हवा भरते हैं तो वो भी स्पेस घेरता है, तो वो भी क्या है, एक मैटर है। उसको क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। इन योर प्रीवियस क्लासेस, अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, क्लास फोर्थ में भी ये चैप्टर था, हमने उसमें क्या पढ़ा था, यू हैव स्टडीड दैट मैटर एग्जिस्ट्स इन थ्री स्टेट्स। आपने उसमें पढ़ा था कि जो स्टेट, जो मैटर के थ्री स्टेट्स हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के हैं, थ्री टाइप्स के, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़ें जो कठोर होती हैं, ठीक है। लिक्विड, कोई भी, जैसे पानी होता है तरल पदार्थ, कोई भी लिक्विड चीज़। एंड गैस, आपको पता है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो सब इन्वॉल्व है, गैस में आती हैं। ए सॉलिड हैज ए डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ए सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट मीन्स निश्चित, शेप मीन्स आकार, वॉल्यूम मीन्स मात्रा या आयतन। ए सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, उनका निश्चित जो उनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, और वॉल्यूम भी निश्चित होता है, मतलब आयतन, मतलब अगर वो जितना है, जैसे आप क्या, जैसे आप लो चेयर है, चेयर को क्या करोगे, आप चेयर को जहाँ भी रखोगे, जो उसका साइज़ है वो उसी के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, स्पेस घेरेगा, जगह घेरेगा, ठीक है। जो जैसी चीज़ें होती है सॉलिड में, वो वैसे ही उनकी निश्चित आकार और शेप एंड वॉल्यूम होता है। द शेप ऑफ अ सॉलिड डज नॉट चेंज अनलेस सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जितनी भी शेप्स होती हैं सॉलिड वाली, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, बट जब तक अगर हम उसे भारी फोर्स ना करें, मतलब जब तक हम उसे पुश ना करें, उनको बल ना दें अपने हाथों से, वो चेंज नहीं होते। ए सॉलिड इज जनरली हार्ड। जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कठोर होती है, एंड इज डज नॉट फ्लो, और उनका प्रवाह नहीं होता, ये फ्लो नहीं होती। फ्लो मीन्स, फ्लो का मीन्स है यहाँ पे, जैसे गैस है, आपने कभी देखा है गैस को, वो क्या होती है, वो एयर में फ्लो हो जाती है, मिल जाती है, बट जो जितनी भी हार्ड चीज़ें होती है वो फ्लो नहीं होती। इट कैन बी कलेक्टेड टुगेदर इन अ हीप। हम इनको कलेक्ट करके रख सकते हैं। इट डज नॉट डिफ्यूज इन एयर, और ये हवा में नहीं फैलती। कुछ एग्जांपल हैं, ब्रेक, वुड मीन्स लकड़ी, स्टोन, पत्थर, आइस एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स। ये सब सॉलिड्स के एग्जांपल। ए लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इसमें क्या कहा गया है, जो भी लिक्विड चीज़ें होती है, जैसे आपका तेल हो गया, दूध हो गया, ऑयल हो गया, ये सब इनकी एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे आपने 1 kg दूध लिया, ठीक है, इनकी तो क्या हुआ, जो 1 लीटर दूध लेके आते हो, आप थैली में लेके आते हो,
ठीक है, वो एक पैकेट वाला जो दूध आता है थैली में आता है, आप उसको जाके क्या करते हो घर पे, कंटेनर में डालते हो, ठीक है, तो वो उसकी शेप ले लेता है। थैली में जो पॉलिथीन है पॉलिथीन की शेप लेता है, फिर हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। बट इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट। हम इसे जिसमें भी रख सकते हैं, क्या करते हैं, जिसमें भी जिस भी कंटेनर में वो उसकी शेप ले लेता है। इट कैन फ्लो इजिली, हम इसको इजिली फ्लो, ये चीज़ें इजिली फ्लो भी हो जाती है। अगर हम इसको कहीं फैलाते हैं तो क्या होता है, वो फैल जाता है। इट डज़ नॉट हार्ड, ये हार्ड नहीं होता। एंड इट डज़ नॉट डिफ्यूज़ इन एयर, और ये भी एयर में डिफ्यूज़ नहीं होते। एग्जाम्पल है मिल्क, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स, ये सब लिक्विड्स के एग्जाम्पल हैं। ए गैस हैज़ नाइदर और डेफिनेट शेप और नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस है वो ना तो उसकी निश्चित शेप होती है ना ही निश्चित आकार होता है। इट ऑक्यूपाइज द कंप्लीट स्पेस इन द कंटेनर इन विच इट इज़ कैप्ट। अगर हम इसे किसी भी कंटेनर में रखते हैं, मतलब बंद करके रखते हैं, तो वो उसकी उसी के साइज़ की उतनी ही जगह को घेर लेता है। जैसे आप देखो पिक्चर में दिया हुआ है आपको पेज नंबर 54 पे, जो हम घर में खाना बनाते हैं गैस पर ही बनाते हैं, उसमें भी क्या होती है, उस सिलेंडर में हमारे गैस होती है, तो वो इतनी ही जगह घेरता है। कौन, गैस। इट कैन स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन में फैली होती है। आपको पता है ऑक्सीजन जो हमारी गैस है जो हम लेते हैं वो सभी सभी जगह अवेलेबल है। एयर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ गैसेज। ये वट इज़ मैटर मेड अप ऑफ, जो मैटर होते हैं, मैटर में जो भी चीज़ें होती है किसी न किसी चीज़ से बनी होती है, जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो बनते कैसे हैं। कभी आपने सोचा है कि ये चीज़ें जो बकेट हो गई, मग हो गया, आपका कप हो गए, ये सब चीज़ें एवरीथिंग, ये सब चीज़ें बनी कैसे हैं। अब हम इस चैप्टर में ये समझेंगे। ऑल मैटर वेदर अ सॉलिड लिक्विड और गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं, ठीक है, जितनी भी थिंग्स हैं मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये सब किस चीज़ से बने हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जब मिलते हैं उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु। जैसे देखो आप छोटे छोटे क्या लोगे, बीड्स लोगे, उसको अगर हम एक माला में एक धागे में डालते जाते हैं छोटे 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 बीड्स को, तो उस जब वो पूरा बन जाता है तो वो क्या बनता है, पूरा माला बनती है ना, फिर हम उसको क्या बोलते हैं, माला बोलते हैं, बीड्स या फ्लावर जो होता है। तो इसमें ही ऐसे ही जितनी भी मैटर्स होती हैं छोटे छोटे कण, वो सब जब एक साथ मिलते हैं तो उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जितने भी मेड ऑफ, अब ये मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं बहुत छोटे कण जो होते हैं, ये किससे बनते हैं, स्मॉल पार्टिकल से। तो जब ये मिलकर बनते हैं तो इनको एटम्स बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑफ एलिमेंट। जो ये जो एटम्स होते हैं, आपको देखो पेज नंबर 55 पे आपको पिक्चर दे रखी है, देखो ऊपर दो, ये दो एटम दे रखे हैं, एच एच लिखा है, ये एच मीन्स होता है हाइड्रोजन, ठीक है, इनका शॉर्ट फॉर्म जो होती है ना, शॉर्ट नेम देते हैं हाइड्रोजन, एच से स्टार्ट होता है, तो ये एच है, ठीक है। तो जब एटम्स ओनली वन काइंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, जब ये जैसे एच, ये एक ही एटम्स है हाइड्रोजन के जो आपको दो पिक्चर दे रखी है, जब ये एक एटम्स और दूसरा एटम जब मिलते हैं एक ही उसके, तो तब क्या बनता है, ये पूरा एक पूरा दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल्स बनता है।
We can therefore say that an element has the same kind of atoms and molecules. Means जैसे same atoms होंगे और molecules होंगे तभी वो mix होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, एक दूसरे से join होंगे. जैसे carbon, hydrogen, oxygen, ये सब क्या है आपके गैसें हैं, and nitrogen are elements, ये सब elements हैं आपके. जैसे मैंने आपको बताया इसमें पिक्चर लिखी, पिक्चर बनी हुई है टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. जब दो एटम्स एक साथ मिले, ये जॉइन हो रहे हैं एटम, जब एक साथ कंबाइन हो रहे हैं तो ये एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ऐसे ही ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के एक दो ऑक्सीजन हो गए ना, एक ओ और एक हो, दो ओ मिलके ऑक्सीजन मिलके ये क्या बनाते हैं, एटम्स बनाते हैं. सम मॉलिक्यूल्स हैव टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. जो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक के बनते हैं, जिन जो एटम्स बनते हैं. दिस जॉइन टूगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड. मीन्स अगर देखो इसमें क्या था, सिर्फ एक जैसे थे, ऊपर आपको पिक्चर दे रखी है, एक ही थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, तो ये हमारे क्या बन रहे थे, एटम्स बन रहे थे. जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक चीज़ें जब मिलती हैं, मिलती हैं तो वो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं. जैसे आपको ये दे रखा है नीचे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. आपने कभी देखा है जो हम बाहर से जो पानी लेते हैं, जब हम बाहर घूमने जाते हैं बॉटल होती है उस पर आपने कभी लिखा होगा H2O लिखा होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है H2O. देखो हाइड्रोजन के दो मिले, दो एटम्स मिले हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का वन, तो इसलिए देखो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है H2O. ऐसे ए मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है. कौन सी गैस है, जो हम छोड़ते हैं. हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो वही गैस कार्बन का एक एटम्स और ऑक्सीजन के टू एटम्स मिलके पूरा ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, तो इसको क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई. ऐसे ही इनके एलिमेंट्स मिलते हैं और बनते हैं, इसलिए कंपाउंड में एक से अधिक एटम्स होते हैं. जैसे ही मैंने आपको बताया था अभी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कंपाउंड्स. वाटर भी मिले, वाटर क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सी, तो जब ये दोनों मिले तो ये कंपाउंड बन गया. कंपाउंड में मिश्रण, यौगिक. वाटर इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन एटम्स. जो वाटर होता है, वाटर भी कैसे बनता है, हाइड्रोजन के टू एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का वन, तो ये क्या बनता है, H2O. कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन एटम्स. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे बनती है, कार्बन के वन एटम्स और ऑक्सीजन के टू एटम्स, ये मैंने आपको समझाया था अभी. व्हाई डू सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स. मतलब व्हाई डू सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस क्यों डिफरेंट स्टेट से अलग अलग क्यों होते हैं. जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं. ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. ऑल मैटर, जितने भी मैटर्स हैं वो किससे बने हैं, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स से. द मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर नॉट एट रेस्ट बट मूव रैंडमली एंड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन देम. द मॉलिक्यूल्स और एटम, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स और एटम हैं, आर नॉट रेस्ट, वह आराम नहीं करते, लेकिन वो रैंडमली, मतलब रैंडमली जैसे इनके अंदर जो भी ये मॉलिक्यूल्स या एटम से बने होते हैं, ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, आइस क्यूब है आपने, बर्फ़ है, बर्फ़ को आपने क्या किया, बर्फ़ जमी हुई है तो ठोस हो गया ना, वो सॉलिड हो गया ना, तो उसमें भी क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मैटर डिपेंड ऑन टेम्परेचर.
और आपने क्या देखा है कि ये अगर ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम बर्फ को बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है, जो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेम्परेचर, अगर वो किसी हीट या किसी गर्म उसमें रखेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स उसके मेल्ट होने लग जाते हैं, पिघलने लग जाते हैं। तो हर मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। इफ़ अ मैटर इज़ एट हाई टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर हाई होता है, इट मॉलिक्यूल्स मूव एट अ ग्रेटर स्पीड, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज़्यादा स्पीड में मूव करते हैं। आपने देखा होगा जब मेल्ट होगी बर्फ तो क्या होगा, वो जल्दी से मेल्ट होती है, बहुत जल्दी से मेल्ट होती है और वो पानी की तरह बह जाती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी को ही इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं किनके बीच में, सॉलिड में, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हैंस देयर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट स्लिप अवे, और ये एंड सॉलिड रिमेन कॉम्पैक्ट, तो ये क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्लिप नहीं हो सकते, जब इनमें सॉलिड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसलिए ये स्लिप नहीं हो सकते, अपने कॉम्पैक्ट में बंधे होते हैं। दैट इज़ वाई, क्यों होता है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि जो सॉलिड है उनकी शेप जो है फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जैसे आप अपना ले लो, आपको गमला ले लो, गमला क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है, और उसकी शेप भी, वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होती है। ऑन हीटिंग, अगर हम इसको गर्म करते हैं, या आप ले लो बकेट ले लो बाल्टी ले लो, अगर हम इसको गर्म करते हैं या आप धूप में रखते हो, ठीक है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंक्रीजेस एंड सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, तो इनके ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स मोशन करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, और ये किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इन लिक्विड, लिक्विड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल मोशन इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ सॉलिड बट नॉट ग्रेट इनफ टू ओवरकम द इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, लिक्विड में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मोशन तो करते हैं, सॉलिड से कम होते हैं, इसके थोड़े जल्दी मोशन करते हैं, बट नॉट ग्रेट इनफ टू ओवरकम द इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और ये इनफ नहीं है। हाउएवर दिस फोर्सेस इन लिक्विड्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इनके जो फोर्स होता है, बल जो होता है इनके एक दूसरे, जो ये मूव करती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनफ टू प्रिवेंट द लिक्विड फ्रॉम फ्लोइंग, इसलिए क्या होता है, ये फ्लो मतलब मीन्स बह जाते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न, इसी कारण लिक्विड्स हैव अ, इसीलिए जो लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम होती है उनकी, फिक्स क्या होती है, वॉल्यूम होती है, बट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, और इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। जैसे लिक्विड में मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, लिक्विड कौन कौन से हो गए, आपके ऑयल, वाटर, ठीक है, और मिल्क, ये सब आपके लिक्विड में आते हैं। आप रोक सकते, अगर दूध गिर जाता है या बिखर जाता है, आप उसको रोक सकते हो, नहीं रोक सकते ना, तो इसलिए ये फ्लो होता रहता है। इन गैसेस, गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैव एट सच अ ग्रेटर स्पीड, इनकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है किसकी, गैस की, दैट दे ओवरकम द इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए ये सारी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते रहते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न, इसी कारण गैसेस हैव नाइदर अ डिफाइंड शेप और नोर अ डिफाइंड वॉल्यूम, इसलिए इनकी ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। आपने देखा कभी गैस की उसको शेप को, या फिर उसके वॉल्यूम किस में हम इसको बंद करके रख सकते हैं, नहीं ना, तो इसलिए आपके इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट आपकी नेक्स्ट क्लास में